वालेकुम बोनस दियास, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग करता हूँ बार्सिलोना स्पेन से। तो अभी सुबह हो गई है, 8:30 का टाइम होने वाला है और मैंने अभी ट्रेन पकड़नी है सारागोसा के लिए। और क्योंकि सुबह सुबह मुझे कॉल आई थी अली और उमर की कि उन्होंने कहा कि आपको सारागोसा आना पड़ेगा क्योंकि हमारा कुछ प्लान है किसी और कंट्री जाने का और अभी मुझे भी नहीं पता कि हम कौन से कंट्री जा रहे हैं। तो वहाँ पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को मिलते हैं सारागोसा जाकर और आप लोगों को सारा प्लान भी बताएं। आप लोगों को ना गोरों का बस स्टेशन दिखाता हूँ और आप लोग डिफरेंस करना पाकिस्तान के बस स्टेशन में और जो स्पेन के बस स्टेशन हैं उनके अंदर, मतलब कि साफ़ सुथरा निज़ाम है, हर बस का पता है कि कौन सी बस ने कहाँ पे आना है, किस बस ने कहाँ पे जाना है। बोर्ड्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, LCDs लगी हुई हैं, हर बंदे को पता है कि उसने कहाँ पर जाना है। आराम से आएँ और अपनी बस तलाश करें और आराम से बैठें, बड़ा ही महज़ब अंदाज में, बड़ी अच्छे वे में, मतलब कि आप सफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं थोड़ी सी आपको बसेज़ वगैरह दिखाता हूँ और स्टेशन का थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ। स्टॉप हुआ था तो अभी वो अंदर आया है, जब मतलब गाड़ी चलाने की उसने सीट्स देखी हैं कि बंदे बुरे हैं और वो अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो यार मतलब कि बड़ा ही ज़बरदस्त निज़ाम है इन लोगों का, बढ़िया देखकर खुशी होती है कि यार मतलब कि कितना इजी है, इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती कि यार क्या होगा क्या नहीं है, हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे के अंदर चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़े हैं इन लोगों के यार। सारागोसा पहुंच के हैं, बस कोई यही 1-2 मिनट और लगेंगे मुझे सारागोसा पहुंचने में स्टेशन के ऊपर, तो वहां से फिर मैं बस लूँगा। और अली से बात हुई थी, वो एक्चुअली कार को सर्विस करवा रहा है तो वो कह रहा था कि यार हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर आप बस लेके आ जाओ तो, चलो हम इतने गाड़ी का काम करवा लेंगे फिर हमने आगे निकलना है, अभी जाएँगे पूछेंगे कि क्या प्लान है नेक्स्ट। तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं मोहित के पास जाऊँ, मोहित को मिलूँ क्योंकि वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसे उसका मुझे मैसेज आया, वो पूछ रहा था कि यार कहाँ पे हो ना, तो मैंने उसे कोई फिर जवाब नहीं दिया, मैंने कहा उसे सरप्राइज देंगे। मैं ना आप लोगों को पिलार दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रहता था,
आई थिंक यहाँ से नज़र नहीं आ रहा मगर आँखों से मुझे बकायदा नज़र आ रहा है पिलार, उसके सामने मेरा फ्लैट होता था जब मैं सारा गुस्सा रहता था। तो इधर से देख तो बड़ी खुशी हो रही है यार, अंदर से मतलब कि दिल खुश हो रहा है। तो अभी देखते हैं जाके। सारा गोसा पहुंच गया हूँ प्लाजा पिलार के नज़दीक हूँ, प्लाजा स्पानिया जो बिल्कुल सेंटर है उधर पहुंच गया हूँ। और अभी जा रहा हूँ मैं मोइज़ को मिलने के लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो इतने मोइज़ को मिल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मोइज़ से मुलाकात नहीं हुई। तो अभी हम मोइज़ से मिलते हैं, उसकी शॉप पर जाते हैं। दुआ कीजिएगा कि वो शॉप पर हो, मैंने उसे नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो छोटा सा एक सरप्राइज़ है उसके लिए कि मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसे पता नहीं है। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. क्योंकि ईस्टर है तो ईस्टर के लिए इनके कोई फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, कोई लोग जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं यहाँ पे सारा गोसा के अंदर सेंटर के अंदर। तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सी कवरेज कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ईस्टर पे क्या होता है यहाँ पे। I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. अभी मैं आ गया हूँ मोइज़ की शॉप के बिल्कुल सामने, तो अभी देखते हैं कि मोइज़ है या नहीं, ट्राई करते हैं। मोइज़ अंदर बैठा है, अभी चलते हैं मोइज़ के पास। ये हमारा मोइज़ है, बंद करो कैमरे, बाबा जी बाबा जी की हाल है, तबीयत है ठीक है की। मैं बाबा ने सरप्राइज देने जाके बा लोग आ गए, मोइज़ भी हमारे साथ है, उमर भी साथ है, तो वो आगे के जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा पीछे से वीडियोस बना रहा हूँ। ये पीछे मेरे पिलार है जी, देख सकते हैं आप पिलार, इसके सामने ही मेरा फ्लैट था। ये
हमारे अली भाई हैं जी। अली भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकअल्लाह खैर। किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं यार? ये भाई ये हमारे उमर भाई हैं, सोने बच्चे हमारे। और ये देखें जी, ये अली की BMW है जी, माशाल्लाह अल्लाह नसीब करे। तो इसी पे आज हमारा टूर है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें जी, लोगों ने गाड़ी ली है BMW, बार बार चूसे मार रहे हैं। ये हमारे हैं सिद्धि भाई, फूल कहाँ हैं? फूल कहाँ हैं ब्रदर? फूल छोल फूल अंदर पड़े हैं। तो कैसे मर जाएंगे ये सिंधी भाई? सिंध वाले देख के ना मर जाएंगे कि ये सिंधी कहाँ पे पहुंचा हुआ है। अभी हम बार्सिलोना टू सारागोसा व्लॉग को अभी एंड करते हैं और अभी हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। और आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और आप लोग अपडेट करते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।